हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इज हियर बाय प्रिया। टुडे वी विल सी हाउ टू मेक अ मुंबई स्टाइल मस्क मेलन रेसिपी। सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स सी आवर रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने मस्क मेलन शेक बनाने के लिए देखिए ये 1 kg का मस्क मेलन लिया हुआ है। जब भी बनाइएगा तो फ्रेश ही लीजिएगा। और चलिए, इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और एक साफ कपड़े से पोंछ लिया है। इसे हम इस तरह के एक बाउल में रख लेंगे जिससे कि ये इधर उधर ना जाए और आसानी से कट हो जाए। तो देखिए, इसके टॉप सेंटर को इस तरह से हम कट कर लेंगे नाइफ से। और ये देखिए, बीच का जो पार्ट है ना, इसे हमें इसी तरह से रखना है। आप नाइफ से इस तरह से साइड साइड से हमें इसे इस तरह से कट लगा देना है काफी अच्छे से। और देखिए, यहाँ इस तरह से मैंने मीडियम साइज का स्पून लिया है। इससे मस्क मेलन को हम निकाल लेंगे अच्छे से। और इसके जो देखिए ये बीज है ना, बीज को हम अलग करेंगे और इसके पल्प को अलग करेंगे। तो पहले हम पल्प को एक साइड निकाल लेते हैं। अब ये जो बीज है इस तरह से आसानी से बहुत ही निकल जाएंगे। तो आप चाहें तो मस्क मेलन जब जूस बनाएं तो बीज का भी यूज कर सकते हैं। ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो ये देखिए, मस्क मेलन का हमने इस तरह से बीज सारा निकाल लिया है। और इसी तरह से स्पून से सारे पल्प को निकाल लेंगे। हमें पूरे पल्प निकाल लेने हैं, सिर्फ जो ऊपर का कवर होता है ना, जिसे हम कहेंगे खोल, उसे सिर्फ हमें रखना है, जैसे कि नारियल का गोले का होता है। ये देखिए, मैं काफ़ी अच्छे से आपको दिखा दे रही हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए। और जब भी इसका जूस बनाइएगा ना, तो पल्प को बहुत ज़्यादा ग्राइंड मत करिएगा, वरना इसका फ्लेवर चला जाएगा और ये तीखा होगा। अब इसे हम बाउल में रख देंगे जिससे काफ़ी अच्छे से ये सेट रहे। अब मिक्सर जार यहाँ पर मैंने लिया है, पल्प लिया है। और इसमें आप चाहें तो, अगर ये मीठा आपका कम हो तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर या शहद ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 cup मिल्क लिया है चिल्ड, और 4 से 5 आइस क्यूब ली है। और साथ ही इसे और भी ज़्यादा कूल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 10 से 15 मिंट लीव्स ली है। तो चलिए, इसे अच्छे से हम चर्न कर लेते हैं। ये देखिए, कितने अच्छे से हमारा मस्क मेलन ड्रिंक बनकर तैयार है। तो चलिए, इसे सर्व करते हैं। सर्व हम करेंगे बिल्कुल मुंबई स्टाइल से। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ये देखिए, इसके अंदर हम इसे फिल कर देंगे जूस को, और इसमें हम मस्क मेलन का जो थोड़ा सा पार्ट बचा है ना, उसे हल्का सा इस तरह से चंक्स कर लेंगे, जिससे कि थोड़े थोड़े से बीच में चंक्स आएंगे ना जूस के साथ, तो ये काफी टेस्टी लगता है पीने में। तो इसे ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे आइसक्रीम फ्लेवर देंगे जिससे कि ये और भी ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगे। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं। मेरे पास वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम थी तो मैंने इसे ऐड कर दिया है। और इसमें मैं ऐड करूंगी टूटी फ्रूटी, यहाँ पर रेड वाली और ग्रीन वाली। आपके पास जो भी अवेलेबल है उसे ऐड कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। एक चेरी मैंने इस तरह से लगा दी है। और देखिए, मस्क मेलन को मैंने इस तरह से स्टार वाले कुकीज कटर से कट कर दिया है और डेकोरेट कर दिया है। तो देखिए, कितना बढ़िया हमारा ये मस्क मेलन जूस बनकर तैयार है। और इसे मिंट लीफ से डेकोरेट कर दीजिए और एक स्ट्रॉ और स्पून लगा दीजिए। तो देखिए, बिल्कुल मुंबई स्टाइल मस्क मेलन जूस बनकर घर पर तैयार है। और ये कोई भी पिएगा ना, तो यकीन मानिए, एक बार आप जिसे भी पिलाएंगे वो हर बार इसे पीना पसंद करेगा। तो इस ड्रिंक को आप भी बनाइए, यकीन मानिए आपको बहुत ही पसंद आएगा। और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, और चैनल पर अभी आप मेरे नए हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल का ऑप्शन है, उसे ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर सेलेक्ट करिएगा, जिससे मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाए। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। रेसिपी से रिलेटेड न्यू वीडियो उस पर भी मैं शेयर करती हूँ। कोई भी रेसिपी से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट वहां पर मैसेज कर पूछ सकते हैं। तो चलिए, फिर से मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी वीडियो यूं ही देखते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। और वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।